नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके हम दही का रायता। आइए जानते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए दही 250 ग्राम चना हुआ, दूध 1 कप, और खीरा, टमाटर, प्याज, नमक, चीनी, काला नमक, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और हरा धनिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सोन शर्मा किचन किंग में। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दबाइए बेल आइकन का बटन ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और सबसे पहले आप देखें, आइए जानते हैं। ये मैंने खीरा, टमाटर, प्याज ले लिया है। इसको मैं अच्छे से वॉश करके छील लेता हूँ। ये देखिए, मैंने प्याज छील लिया और टमाटर रखा है, खीरा छील लिया, इसको बारीक चॉप कर लिया। खीरा बारीक चॉप कर लिया, प्याज बारीक चॉप कर लिया, टमाटर बारीक चॉप कर लिया और हरा धनिया बारीक चॉप कर लिया। ये दही मैंने 2 घंटे पहले झाड़ दिया था पानी निकलने के लिए। इसको मैं छान लेता हूँ चन्नी से। ये देखिए, दही मैंने छान लिया है, ये बिल्कुल गाढ़ा दही है, इसका पानी झर चुका है, चलनी में झाड़ दिया था मैंने पहले ही, फिर इसको छान लिया मैंने। अब इसमें ठंडा दूध डालता हूँ मैं इसको पतला करने के लिए। इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। ठंडा दूध डालना है दोस्तों, गरम दूध नहीं डालना है, ताकि हमारा रायता मीठा होए और बढ़िया होए। ये देखिए, ये पूरी तरीके से मिला लिया है मैंने। अब मैं इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। इसके अंदर 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सिका हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून चीनी यानी शुगर। अब इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। गर्मियों के दिनों में तो दही का रायता और जिसमें तो वेजिटेबल रायता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सलाद बात तो कहाँ लेने को। ये देखिए, कटा हुआ खीरा डाल दिया मैंने, टमाटर कटे हुए डाल दिए, प्याज बारीक कटे हुए डाल दिए। अब इसको मैं मिला लेता हूँ, थोड़े थोड़े मैंने रख लिए बाद में डेकोरेट करने के लिए। यह हरा धनिया चॉप किया हुआ डाल दिया। अब ये रायता पूरी तरीके से बनकर तैयार है। देखिए इतना गाढ़ा होता है ये, और इसको बनने के बाद फ्रिज में रख देंगे हम। ये देखिए, बाकी जो थोड़ा थोड़ी सब्जियाँ वेजिटेबल कटी हुई रखी थी मैंने, वो ऊपर से डेकोरेट कर दिए। गर्मियों के दिनों में फ्रिज में रख के, ठंडा रख के खाइए, खाने के साथ किसी भी टाइम खा सकते हैं आप। तो खाते रहिए, बनाते रहिए और बताते रहिए।